नमस्कार दोस्तों, तुम्हें फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्राइट में और क्लाउड फाइव स्टोर की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में डाटा को अपडेट कैसे करते हैं और डाटा को डिलीट कैसे करते हैं, और यदि आपको डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो डॉक्यूमेंट डिलीट कैसे करते हैं। तो इससे पहले अब तक हम बात कर चुके हैं डाटा को ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, क्वेरीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अपडेट और डेट के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट कमांड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा रिट्रीव वाला मेथड है, इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो जो पहले वाला कोड है उसको कमेंट में डाल देते हैं ताकि ये फालतू में कुछ रन ना हो। तो यहाँ आप कोड लिखते हैं। तो यहाँ में क्या करना है, डीबी जो कि हमारे इंस्टेंस का नाम है डॉट कलेक्शन, अपने कलेक्शन का नाम देंगे जो कि है करंट यूजर्स। फिर हमें करंट डॉट डॉक्यूमेंट, और हमने डॉक्यूमेंट का नाम देना है जिसमें आप अपनी फील्ड वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसका नेम, और यहाँ इसको नेम डाल देंगे इसके, यहाँ पे कंट्रोल पी, इसको स्ट्रिंग में रखेंगे। तो ये नेम हमारा डाल चुका है इसमें, अब हमारे डॉक्यूमेंट में डॉट डॉक्यूमेंट में इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हो चुका है डॉट डॉक्यूमेंट, अब हमें यहाँ करना डॉट अपडेट, और इसमें हमें पास करना अपना फील्ड और उसकी वैल्यू। तो मैं फील्ड पास कर रहा हूँ कंट्री, क्योंकि मैं उसकी कंट्री अपडेट करना चाहता हूँ, कंट्री, और वैल्यू मैं उसकी पास कर रहा हूँ अभी फिलहाल, देखते हैं उसकी कंट्री क्या है। फिलहाल इसकी कंट्री इंडिया है, तो मैं पास कर देता हूँ यूएसए, और करते हैं इसको सेमीकोलन लगा क्लोज। तो वैसे तो आप इसमें सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर ऐड कर सकते हैं, और वो करने भी चाहिए, क्योंकि उनसे आपको पता चल जाता है कि आपका तो चेंज हुआ, सक्सेसफुल हुआ है, कोई एरर आया है। पर फिलहाल मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इतने छोड़ रहा हूँ। रन करते एप्लीकेशन को। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी कंट्री अभी इंडिया है। अब तो मैंने रिट्रीव पे क्लिक नहीं किया है, तो रिट्रीव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी कंट्री जो है वो एकदम से चेंज हो गई यूएसए में, मतलब जो डाटा है वो अपडेट हो गया। तो ये थी अपडेट कमांड। अब अगर आपको मल्टीपल फील्ड अपडेट करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक दिस मैंने कंट्री पास कर दिया, अभी तो उसकी कंट्री यूएसए हो चुकी है, जिसको दोबारा से इंडिया कर देते हैं ताकि दोबारा इंडिया में चेंज हो जाए, और फिर आप कोमा लगाएंगे, फिर अगला फील्ड पास करेंगे। लाइक मैं पास कर देता हूँ सैलरी, और सैलरी की वैल्यू कर देते हैं 100 रुपीज, और अभी उसकी सैलरी देखते हैं कितनी। एक बार अभी इसकी सैलरी लगभग 10,000, तो 100 कर दें सैलरी इसकी, और दोबारा से रन करते एप्लीकेशन को। हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब तो इसी कंट्री यूएसए और सैलरी 10,000 डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं आप दोनों फील्ड जो चेंज हो चुके हैं, कंट्रीज की दोबारा से इंडिया होगी और सैलरी इसकी 100 होगी। तो इस तरह यूज करते हम अपनी अपडेट कमांड का डाटा को अपडेट करने के लिए। तो अब चलो बात करते हैं डिलीट कमांड के बारे में। तो डिलीट बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करें, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ फील्ड डिलीट करें। अगर आप सोच रहे पूरा कलेक्शन डिलीट करने की, तो वो फायरबेस आपको अलाउ नहीं करता, फायरबेस उसके लिए मना करता है। तो आप एक डॉक्यूमेंट डिलीट कर सकते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट में फील्ड डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें एक डॉक्यूमेंट ही डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल इस अपडेट वाली कमांड को हटा देते हैं यहाँ से, और इसी में कुछ चेंजेस करके डिलीट वाली कमांड बनाएंगे। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वही डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम देंगे, फिर डॉट डॉक्यूमेंट, और इसके आगे डॉट डिलीट कमांड हम यूज़ कर देंगे। तो ये जो आपने डॉक्यूमेंट मेंशन किया है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो रन करते एप्लीकेशन को। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट, अभी आप देख सकते हैं इसकी जो नेम है 2OVOFMBI कुछ नाम है इसका, और ये हमारा डॉक्यूमेंट है। जैसे हम रिट्रीव पे क्लिक करेंगे, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉक्यूमेंट हैं। रिट्री पे क्लिक करते हैं और ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ से हट चुका है। आप देख सकते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इट विल नॉट अपीयर इन क्वेरीज और स्नैपशॉट, मतलब अब आप इस डॉक्यूमेंट बिल्कुल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिलीट हो चुके हैं यहाँ से, और हमारा जो टोटल नंबर डॉक्यूमेंट है वो 1 डिक्रीज हो गए, 6 हो चुके हैं। तो ये था डिलीट कमांड कि अगर हमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक फील्ड डिलीट करना है, मान लो जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है,
इसमें चार फील्ड है, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड और सैलरी। मुझे सिर्फ सैलरी वाला फील्ड डिलीट करना है या फिर कंट्री वाला डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा अपडेट कमांड का। वो हम डोट डिलीट से नहीं कर सकते, तो उसको देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक मैप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैप, इसमें पास करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जो उस नाम देते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ अपडेट इक्वल टू न्यू हैश मैप, कर दें इसे क्लोज। और क्या करेंगे, अपडेट्स जो कि हमारे मैप का नाम है, डॉट पुट की का नाम देंगे, जो आपको चेंज करनी है बेसिकली। लाइक में चेंज कंट्री डिलीट करनी है, तो मैं कंट्री पास करूँगा। और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फील्ड वैल्यू डॉट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आए हैं हमारे पास, सर्वर टाइप स्टेंट टाइम स्टैम्प एरे रिमूव एरे यूनियन, और एक जो हमारे पास फंक्शन है वो डॉट डिलीट है। तो फील्ड वैल्यू डॉट डिलीट करेंगे हम, जो क्लोज कर देंगे सेमीकोलन को, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंट्री वाला फील्ड है डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में, तो फिलहाल तो हमारा डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है वाला, तो दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हुए, तो लाइक मैं ये डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसको पास कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, जाएंगे अंडर स्टूडियो में, इसकी जगह उसमें पेस्ट करेंगे, स्ट्रिंग में रखना होगा इसको हमें। और डॉट डिलीट की जगह अब हम करेंगे डॉट अपडेट, और यहाँ पे अपना मैप का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो कि है अपडेट्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्री वाला फील्ड है वो डिलीट हो जाएगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से। तो दोबारा से देखते क्या किया, हमने एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने जो अपना फील्ड का नाम दिया जो हम डिलीट करना है, और फिर हमने वैल्यू पास करी फील्ड वैल्यू डॉट डिलीट, और फिर डीबी डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट के नाम देके हमने डॉट अपडेट मेथड कॉल किया, और उस पर अपना मैप ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें चार फील्ड है, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड और सैलरी। और अब जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कंट्री वाला जो इसमें फील्ड है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने उस पर डिलीट कमांड लगाई थी। तो ये था कि अपने डॉक्यूमेंट में से एक पर्टिकुलर फील्ड को कैसे डिलीट करते हैं। अगर आपको मल्टीपल फील्ड डिलीट करने हैं तो वो भी काफ़ी आसान है, आप एक चीज़ और ऐड कर देंगे, अपडेट्स डॉट पुट, यहाँ पे लाइक मुझे सैलरी डिलीट करनी है तो सैलरी, और वही फील्ड वैल्यू डॉट डिलीट। तो कंट्री तो हमारे पहले से डिलीट हो चुकी है, तो इसकी जगह कर देते हैं हम ईमेल। तो अब क्या होगा कि हमारी ईमेल और सैलरी दोनों ही चीज़ें डिलीट हो जाएगी हमारे उस डॉक्यूमेंट से। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो फिलहाल हमारे इस डॉक्यूमेंट में तीन फील्ड है, ईमेल, पासवर्ड और सैलरी। और जैसे हम रिट्री बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे दो फील्ड है वहाँ से गायब हो गए, ईमेल और कंट्री, ईमेल और सैलरी, क्योंकि हमने उन पर डिलीट कमांड लगाई थी। तो दोस्तों ये था कि अपने डाटा को अपडेट कैसे करते हैं, डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।